नैना ताई तुम चुप ही रहो। वैसे मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई थी जो तुम मुझे से भेजी हो। और हाँ, तुम अपने चेहरे पे कुछ भी लगा लो, तुम तो बेवकूफी दिखोगी क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग जो नहीं है। और हाँ, तुम मेरी चिंता करना तो छोड़ ही दो, मैं बड़े होके अपने लिए अच्छा सा लड़का ढूंढी दूंगी। और वैसे मैं यहाँ अपनी डिक्शनरी बुक लेने आई थी, ना ही तुमसे मुझे कोई बात करनी है और ना ही मुझे तुमसे कोई पूछना है।